पंजाब का नाम लिखा रखा है, मेरे पंजाब का नाम लिखा रखा है। पंजाब जब भी आती है मैं बहुत ही इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि एक धरती ने प्रीति सपनों की पहचान देती है। मैं इस धरती का देना नहीं दे सकती, मैनू मान सम्मान रोजी रोटी मेरा ससुराल मैनू वाहेगुरु नाल रूबरू कर रहा, वो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा एहसान किया इस धरती ने मेरे। मैं अपनी जिंदगी मैं पहले आई सी और मैं पहले एक बार इलेक्शन जिते आई सी तो मैं यही कहा सी कि मैं जेड़ा अपनी जिंदगी ने आखिरी साह तक गुरु तेग बहादुर साहब का प्रचार करना चाहनी और वो मैं बाखूबी कर रही हाँ। कश्मीर जम्मू मैं यात्रा लैके जम्मू कश्मीर तो शीशगंज गई, 1200 कश्मीरी पंडित सिख लैके और फिर उतो असी भौरा साहब आए आनंदपुर साहब उसी अरदास की कश्मीरी पंडितों ने कहा वाहेगुरु सानू तुहाड़ी बहुत लोड़ है, असी अज भी अपने वतन रह नहीं सक रहे, सानू मदद करो। तो आर्टिकल 370 नरेंद्र मोदी साहब ने निकालता, वाहेगुरु की कृपा देखो। और मेरे मैं ये समझती हाँ कि जेड़ा कुछ नरेंद्र मोदी साहब ने बीजेपी ने सिखा लई किया वो किसी गौरमेंट ने 75 ईयर्स नहीं किया। छोटे साहबजादियों ने शहीदी दिवस को बाल दिवस इंडिया का अनाउंस करना बहुत बड़ी गल सी। लाल किले से 400 साल गुरु तेग बहादुर साहब का मनाना उत्थे बयान देना कि आज हिंदुस्तान च है वो गुरु साहब की बहुत बड़ी शहादत हुई है, बहुत खालसा ने बहुत कुर्बानियां दीती है तो ये होया है। सिलेबस में जेडे साडे एजुकेशन सिलेबस है हिंदुस्तान का उहदे विच सिख हिस्टरी इन्नी घट सीगी, इन्नी मतलब खुद उन्हों छोटा करके दर्शाते सी ते साडे बच्चों को की पता चलेगा साडा इतिहास की है। मोदी साहब ने छोटे साहबजादियों का हिस्टरी पूरी पाती है सिलेबस में। मैं कहनी हाँ मैं एज अ कश्मीरी पंडित कन्वर्टिड सिख मैं कहनी हाँ कि मैं उन्हों का एहसान नहीं चुका सकता। मैं मोदी साहब को इसलिए सपोर्ट करती हाँ कि वो सारे का दुख दर्द समझती है। मैं पता नहीं मैं इसलिए भी आई हाँ कि पंजाब विच अपने पंजाबियों का जेड़ा दुख दर्द है मैं उन्होंने कोल लैके जावा। जेड़े मैं उन्होंने कहा सिख डेलीगेशन नाल मैं सद्या से उन्होंने घर उत्थे मैं जाके उन्होंने एक ही क्या सर तुसी बहुत कुछ किया साढ़े सिखा लई, तुसी बहुत किया हिंदुस्तान लई, मैं इस देश को तुहाडे बिना सोच भी नहीं सकती एंड आई मीन इट फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई एम टूडे 60 ईयर्स ओल्ड, आई हैव सीन भारत, आई हैव सीन हिंदुस्तान ग्रो, आई हैव सीन द प्रॉब्लम, आई हैव सीन टेररिज्म। जब मेरा कोस्टार वरिंदर लुधियाने में शॉट होया सी वो तो 6 दिन पहला मैं उन्होंने वाइफ नाल इतों गई सी मेरी फिल्म की लोकेशन फाइनल करने तो बाद जब पता लग्या कि वरिंदर इज शॉट तो मैं लग्या साड़ी फिल्म इंडस्ट्री बंद हो चुकी कि होगा पंजाबी सभ्याचार का। मैं उसी वेले जी फिल्म मैं उन्होंने नाल गुरदास मान नाल बना रही सी उन्होंने डेथ तो बाद मैं उन्होंने की मैं वो फिल्म बना ली अपनी मदर की ज्वेलरी मॉर्गेज की, बट मैं सोचा पंजाब की फिल्म बंद नहीं होनी चाहिए तो मैं आई वॉज अ फर्स्ट टू अनाउंस फिल्म आफ्टर हिज डेथ। तो मैंने पंजाब नहीं मतलब मैंने सब कुछ पंजाब तो पाया, मैं जो सब पंजाब से वार दिया तो मैंने कोई तकलीफ नहीं हुई तो मैं ये समझती हाँ चलो असी सारे रल मिल के पंजाब को चकिए। हिंदुस्तान में पंजाब बहुत पिछे रह गया, सारे स्टेट्स बहुत प्रॉस्पर
कर रहे हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है पूरे देश में, तुम देख सकते हो। तुम बाहर निकलो पंजाब तो, कहीं कश्मीर तो कन्याकुमारी तक ट्रैवल करो, इतनी डेवलपमेंट पिछले 30 साल नहीं होगी जी 10 साल मोदी साहब ने कर दिखाई। वो आप सवेरे बैठते हैं सारे हाईवेज वाले ते प्लान कर दिए, वो कहते हैं पिंड पिंड डेवलप होना चाहिए, जुड़ना चाहिए है हाईवेज नाल शहर नाल। जिस देश की कनेक्टिविटी चंगी होती है वही देश कामयाब होता है। हम 11वें नंबर तो आ गए साढ़े, थैंक यू।